नहीं, मीडिया को रोका नहीं गया है। मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये कहना चाहूँगा कि मीडिया को रोकने की ना तो कोई इंटेंशन है, ना ही ऐसा कोई हमारा था वहाँ पे। लेकिन मीडिया को ब्रीफ करना ज़रूरी था, बिकॉज पिछली बार जब मीडिया कवर करने गया था तब हमें पता चला था कि 3-4 मीडिया कर्मी भी उसमें इंजर्ड हो गए थे। सो ये ज़रूरी था कि आज मीडिया को ब्रीफ करके भेजे, ताकि जो पिछली बार हुआ था, जो मीडिया के बंदे इंजर्ड हुए थे, वो इस बार ना हो। यहाँ पे हजारों की तादाद में किसान है, अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो पंजाब पुलिस इससे उबरने के लिए कितना मुश्किल है? हमने मेडिकल टीम्स लगा रखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर कोई इंजर्ड होता है तो मेडिकल टीम्स उसको इवैक्यूएट करने के लिए पूरी तैयार है। हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है, और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं, आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप बोलते हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा? तो आज भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ, पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं फिर बात करेंगे। ऐसे में कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, मीडिया को रोका जा रहा है? हाँ, कोई नहीं, ये मीडिया को रोककर जो मीडिया पूरे देश में तस्वीरें दिखा रहा है केंद्र के जबर की, उसे पंजाब सरकार शटरिंग करना चाहती है, इसलिए वो रोक रहे हैं। सर, हरियाणा पुलिस के भी तरफ से फरमान है कि मीडिया जो है वो 101 किलोमीटर दूर रहे किसानों से, किसान प्रोटेस्ट स्थल से। नहीं देखिए, हरियाणा सरकार तो बोलेगी, केंद्र हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो बोलेगी, वो उनको पूरा देश का मीडिया उनके जबर को दिखा रहा है, और पंजाब सरकार जो बोलती थी किसानों के साथ है, उनका चेहरा नंगा हो गया।